बिलासपुर में जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को महंगे प्याज को लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमें प्रशासन ने बिलासपुर जिला में 10 मीट्रिक टन प्याज की मांग की है। प्रशासन ने लिखा है कि उन्हें 10 मीट्रिक प्याज चाहिए ताकि यहां के लोगों को प्याज की मार न झेलनी पड़े। जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को महंगे प्याज को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें प्रशासन ने बिलासपुर जिला में 10 मीट्रिक टन प्याज की मांग की है। प्रशासन ने लिखा है कि उन्हें 10 मीट्रिक टन प्याज चाहिए ताकि यहां के लोगों को प्याज की मार न झेलनी पड़े। जिला प्रशासन ने ये पत्र प्रदेश सरकार को लिखा है, जिसके बाद प्रदेश सरकार इस पत्र को केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी। ये बात बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इसमें खास बात ये रहेगी कि केंद्र की ओर से आने वाला प्याज 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजारों में बेचा जाएगा, जिससे जनता को भी थोड़ी राहत महसूस होगी। डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बताया कि करीब 2 हफ्तों में प्याज की खेप बिलासपुर पहुंच जाएगी, जिसके बाद बाजारों में सस्ता प्याज उपलब्ध हो जाएगा। प्याज की जो रेट्स हैं काफी आसमान को छू रहे हैं, तो इस दिशा में प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके जो रेट्स उनको नियंत्रित करने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। तो आज एक जिला बिलासपुर यहाँ से जारी किया जाएगा, जिसमें जो हम जो होलसेल थोक जो प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉफिट है वो 5% निर्धारित किया है। जो सेल है उसमें 24% मार्जिन, जिसके अंदर किराया, लोडिंग, अनलोडिंग वगैरह सभी जो खर्चे हैं वो सम्मिलित हैं। तो इसमें कोई भी होलसेलर या कमीशन या रिटेलर इन दर से ऊपर नहीं कर सकता है, जो 5% और 24% है। इसके अतिरिक्त और मैं बताना चाहूंगा कि बिलासपुर जिला में 10 मीट्रिक टन की जो है डिमांड प्याज की, वो राज्य सरकार को भेज दी गई है और राज्य सरकार से समेकित डिमांड जो है वो भारत सरकार को भेजी जा रही है, और उसमें शीघ्र ही जो है प्याज वो प्राप्ति की का हमें आशा है। और उसके अंदर अनुमानित जो रेट होगा वो करीब 65 रुपए के करीब, जो मुझे जो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज कंट्रोलर है उन्होंने मुझे बताया। तो इसमें ये आज हम ये अधिसूचना जारी कर रहे हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फिक्स किया जा रहा है रिटेलर होलसेल साथ में 20 किलो से कम जो है वो रिटेल माना जाएगा, 20 से ज्यादा वो होलसेल की परिधि में आएगा। और यदि कोई भी डीलर, कोई कमीशन एजेंट, कोई आड़ती, कोई होलसेलर या रिटेलर इसका वायलेट करता है, तो उसका उनके विरुद्ध होर्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग प्रिवेंशन ऑर्डर 1977 के अंतर्गत जो है। आपको बता दें कि जिला के बाजारों में इस समय 100 से 120 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है, जिसके चलते लोगों ने प्याज खरीदना बंद कर दिया है, जिससे दुकानदार भी प्याज को होलसेल में खरीदने पर इतरा रहे हैं, जिससे अब राहत मिलने वाली है और लोगों को लगभग 35 से 40 रुपए सस्ता प्याज मिलने वाला है।